क्विक रिस्पांस फोर्स के ये जवान जिन्होंने गुज़िश्ता रात अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझते हुए बखूबी अपने फराइज को सरंजाम दिया। ये ना देखें कि हमारी वर्दी ख़राब हो रही है, पानी कौन सा है, गटर का है या गंदा है या किस तरीके का पानी है, उन चीज़ों को हमें नहीं देखना। लोगों का भी शुक्र है, शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने हौसला अफजाई की, अच्छे अच्छे कमेंट्स हमारे हवाले से दिए। पानी बहुत बहाव चल रहा था यहाँ पे पानी का ज़्यादा, तो उस हिसाब से जैसे गाड़ियाँ निकल रही थी कोई बंद हो रही थी गाड़ियाँ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हैदराबाद टाइम्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसन खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिशों ने पूरे शहर को डुबो के रख दिया। मैं आज मौजूद हूं गिद्दू चौक के मुकाम पर, जहां गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाइस यहां पे ट्रैफिक की रवानगी मुकम्मल तौर पे मुतासर हो चुकी थी। यहां से गुजरने वाली गाड़ियां यहां स्टक हो गई थी, लोग यहां फंसे हुए थे। वहीं वो फोर्स के जिसको सबसे ज़्यादा तंकीद का निशाना बनाया जाता है, ट्रैफिक पुलिस क्विक रिस्पांस फोर्स, जो कि एक फोर्स DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह साहब की जानिब से तश्कील दी गई एक फोर्स, उसके कुछ एहलकार जिनकी तस्वीरें गुज़िश्ता रात सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल रहीं, किस तरीके से अपनी मदद आपके तहत वो यहाँ से गाड़ियों को और लोगों को निकाल रहे थे, आज हम उनसे बात करेंगे। हमारी जो फोर्स बनी है क्विक रिस्पांस फोर्स, ये जनाब DIG साहब ट्रैफिक हैदराबाद साईं पीर मोहम्मद शाह साहब, SP ट्रैफिक औरंगज़ेब अब्बासी साहब के ये तआवुन से ये टीम बनी है, उन्होंने ये टीम बनाई है। हैदराबाद में ट्रैफिक के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इस वजह से उन्होंने ये क्विक रेस्पॉन्स फोर्स बनाई है, ताकि एमरजेंसी के अंदर कहीं पर भी हम बर वक्त 5 से 10 मिनट में उस जाए वक़ो पर पहुँचे जहाँ पर अगर ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम हो रहा है। कहीं पर भी अगर कोई मजबूर, अगर कोई फंसा हुआ बंदा है तो पहले उसकी हेल्प करें। उसमें आप ये ना देखें कि हमारी वर्दी ख़राब हो रही है, जूते ख़राब हो रहे हैं, या हमारे मकसद ये कि पानी कौन सा है, गटर का है या गंदा है या किस तरीके का पानी है, उन चीज़ों को हमें नहीं देखना। जैसे कि गुज़िश्ता रात यहाँ पानी, बारिश का पानी मौजूद था और आपकी तस्वीरें बड़ी वायरल रही सोशल मीडिया पे, आवाम ने बड़ी आपको पसंद किया, आपके काम को पसंद किया, कैसे वो हालात थे और कैसे फिर आपने उस हालात में मैनेज किया और किस तरीके से लोगों की मदद की? मैं सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी और मैंने अपना फ़र्ज निभाया। बाकी लोगों का भी शुक्र है, शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने हौसला अफजाई की, अच्छे अच्छे कमेंट्स हमारे हवाले से दिए। बाकी बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबका हमें नासिर हो, और लोगों की अपील है कि वो हमसे हमारा साथ दें, हमारा साथ तआवुन करें। अशोक साहब, गुज़िश्ता रात आप भी उन लोगों में शामिल थे। जब हम अलमंज़र पे थे वहाँ पे कॉल आई हमें, फ़ौरन यहाँ पहुँचे हम, 5-10 मिनट में यहाँ पहुँच गए। उसके बाद देखा कि यहाँ पानी बहुत बहाव चल रहा था यहाँ पे पानी का ज़्यादा, तो उस हिसाब से जैसे गाड़ियाँ निकल रही थी कोई बंद हो रही थी गाड़ियाँ, तो उसका वज़न अलग और पानी में जो गाड़ी खड़ी थी उसको निकालने में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। फिर भी हम आपस में मिल के एक साथ जो है ना मिल के हमने काम किया और गाड़ियों को आगे हम निकालते गए। इसी तरह ट्रैफिक जो है ना बिल्कुल क्लियर हो गई। क्विक रिस्पांस फोर्स के ये जवान जिन्होंने गुज़िश्ता रात अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझते हुए बखूबी अपने फराइज को सरंजाम दिया, आवाम ने इनके काम को पसंद भी किया और आज इनको हीरो का लकब दिया जा रहा है। कैमरामैन अहमद रजा के साथ हसन खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।